नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मितेश सोनी और आप देख रहे हैं M2S कार इन्फो। दोस्तों आज हमारे साथ है महिंद्रा की XUV 300, मॉडल है AX5 मॉडल, पेट्रोल मैनुअल, कलर है एवरेस्ट वाइट कलर। दोस्तों आज हम इस कार का फुल रिव्यू करेंगे और जानेंगे कि आखिर इस कार में क्या कुछ ऑफर किया गया है और क्या कुछ इसमें नया ऐड किया गया है, इसकी प्राइस वगैरह जानेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप वडोदरा छाने के आसपास से कहीं से भी है तो आप यहाँ पे कैरेवल कार्स मोटर्स में आके चेक कर सकते हैं। आपको यहाँ पे XUV 300 के सारे मॉडल्स देखने को मिल जाएंगे, टेस्ट ड्राइव देखने को मिल जाएगी, यहाँ पे XUV 700 ब्लेज एडिशन सब कुछ यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, तो आप यहाँ पे ज़रूर आइएगा। एड्रेस और फ़ोन नंबर मैं यहाँ पे छोड़ रहा हूँ। चलिए ज़्यादा देरी ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। शुरुआत करेंगे इसकी कीज से, तो कुछ इस तरह की की दी गई है, फ्लिप की आपको यहाँ पे ऑफर की गई है, लॉक का बटन, अनलॉक का बटन, बूट अनलॉक का बटन दिया गया है। बाकी फ्रंट की बात करें तो यहाँ पे महिंद्रा का बड़ा सा लोगो जो कि क्रोम फिनिश में मिलेगा, यहाँ पे 6 वर्टिकल लाइंस मिल जाएगी वो भी आपको क्रोम फिनिश में मिलेगी। यहाँ पे आपको पियानो ब्लैक फिनिश में ग्रिल मिल जाएगी जो कि काफ़ी पैक ग्रिल आपको लग रही है, छोटी सी यहाँ पे आपको जगह मिलेगी, यहाँ पे आपको हल्का सा टेक्सचर मिलेगा। और ये जो आप देख रहे हैं ये क्रोम फिनिश, वो आपको एसेसरीज का पार्ट है। इसकी एसेसरीज का जो मैं ऐड किया गया है इसमें, वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, तो आप मार्क करते जाइएगा। ये एसेसरीज का पार्ट है और यहाँ पे भी आप जो ये देख रहे हैं वो भी आपको क्रोम फिनिश एसेसरीज का पार्ट ही मिलेगी। बाकी नीचे नंबर प्लेट की ब्लेसिंग, टो की ब्लेसिंग, बड़ा सा आयर डैम, नीचे आपको यहाँ पर बम्पर मिलेगा, सिल्वर एसेंट का यूज़ वहाँ पर। हेडलैम्प्स की बात करें तो यहाँ पर आपको LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिल जाएंगे जो कि वाइट कलर के रहेंगे। ये महिंद्रा का जो नए BE LED प्रोजेक्ट के हेडलैम्प्स आते हैं वो मिलेंगे। यहाँ पे आपको क्रोम अंदर आपको एलिमेंट मिलेगा, नीचे आपको फॉग लैम्प नहीं मिलने वाला है, DRL मिल जाएंगे और टर्न इंडिकेटर आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। बाकी यहाँ से ये क्रोम फिनिश शुरू होते हुए पूरी गाड़ी में यहाँ पे बम्पर पे फैली हुई है। एक बार इसके वाइपर्स चेक कर लेते हैं तो आपको यहाँ पे नॉर्मल वाले वाइपर्स ऑफर किए गए हैं, वॉशर आपको यहाँ पे 2 मिल जाएंगे। और जो एसेसरीज है वो यहाँ पे एक बार मैं आपको दिखा रहा हूँ, पॉज करके आप पढ़ लीजिएगा। 19,433 की एसेसरीज जिसमें ऐड की गई है वो मैं आपको बताता चलूँगा, इसे आप पॉज करके एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। तो अभी हम चलते हैं गाड़ी के साइड में और बात करते हैं इसकी साइड की। यह है गाड़ी का साइड लुक। सबसे पहले बात करें टायर साइज के बारे में, तो यहाँ पर आपको 16 इंच के टायर्स मिलने वाला है। एक बार टायर साइज चेक कर ले, 205/65 R16, यानी कि 16 इंच के आपको यहाँ पर टायर्स मिलने वाले हैं जो कि आपको डायमंड कट एलॉय व्हील्स मिलेंगे। इस वेरिएंट से ही एलॉय व्हील्स स्टार्ट होते हैं। AX आपको MX3 या MX3 प्रो में आपको एलॉय व्हील्स नहीं मिलते हैं, इस वेरिएंट से ही स्टार्ट होते हैं। बाकी आगे आपको डिस्क ब्रेक मिल जाएगी, पीछे भी आपको डिस्क ब्रेक मिल जाएगी, तो चारों टायर में आपको यहाँ पर डिस्क ब्रेक ऑफर की गई है जो कि स्टैंडर्ड है। बाकी क्लैडिंग यहाँ से शुरू होते पूरी गाड़ी में पीछे की तरफ फैली हुई है और यहाँ पर हल्का सा कट रखा गया है जिससे ये काफ़ी ज़्यादा स्पॉटी और भी लग रही है। यहाँ पे ORVM जो कि पियानो ब्लैक फिनिश में मिलने वाला है, जो इसका ए पिलर है वो भी आपको पियानो ब्लैक फिनिश में मिलेगा। टर्न इंडिकेटर्स आपको यहाँ पे ORVM पे दिए गए हैं, ये ऑटो फोल्ड और इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल रहेंगे, ये भी इसी वेरिएंट से स्टार्ट होता है। बाकी यहाँ पे ये स्ट्रिप देख सकते हैं, क्रोम यहाँ से शुरू होते पूरी गाड़ी में पीछे की तरफ जा रही है, तो ये भी एक एसेसरीज का ही पार्ट है। बाकी डोर एंड अनलॉक वो आपको बॉडी कलर मिलेगा, रिक्वेस्ट सेंसर, और यहाँ पे जो आप रेन वाइजर जो देख रहे हैं यहाँ पे वो भी ये एसेसरीज का पार्ट है, आप महिंद्रा लिखा हुआ देख सकते हैं। यहाँ पे ये जो स्ट्रिप है वो भी एसेसरीज के तौर पर ही लगाई गई है, ये गाड़ी में नहीं आती है। पीछे का डोर हैंडल वो भी आपको बॉडी कलर मिलेगा, यहाँ पे पियानो ब्लैक फिनिश का यूज़। ऊपर आपको यहाँ पे रूफ रिल्स मिल जाएगी वो भी आपको पियानो ब्लैक फिनिश में ही मिलने वाली है। ऊपर आपको मैं इसका सनरूफ दिखा दूँ, आपको नॉर्मल वाला छोटा सा सनरूफ यहाँ पे मिल जाएगा। जो टॉप मॉडल वहाँ पे रेड कलर का खड़ा हुआ है उसका मैंने रिव्यू बनाया हुआ है, तो चैनल पे जाके वो भी आप ज़रूर चेक कीजिएगा। AX7 ये मॉडल है, एक बार जूम करके दिखा दूँ, उसमें आपको पैनोरामिक सनरूफ वगैरह सब कुछ मिल जाएगा जिसका वीडियो मैंने बनाया हुआ है। यहाँ पे ऊपर आपको नॉर्मल वाला एंटेना मिल जाएगा, ये था इसका साइड। अभी हम चलेंगे गाड़ी के पीछे की तरफ। ये है कुछ गाड़ी का पीछे का लुक। सबसे पहले बात करें तो यहाँ पे आपको स्पॉइलर ऑफर किया गया है जो कि बॉडी कलर है, और ये इसी वेरिएंट से स्टार्ट होता है। MX3 प्रो वेरिएंट में आपको स्पॉइलर नहीं मिलता है। बाकी यहाँ पे आपको पियानो ब्लैक फिनिश का यूज़, यहाँ पे काफ़ी बड़ा हाई माउंटेड स्टॉप लैंप, वॉशर की प्लेसिंग, डिफॉगर आपको मिल जाएगा, वाइपर आपको रियर मिल जाएगा, नीचे महिंद्रा का लोगो जो कि क्रोम फिनिश में मिलेगा, नीचे XUV 300 की बेजिंग जो कि आपको मैट फिनिश में मिलने वाली है, कनेक्टिंग LED टेल लैंप्स मिल जाएंगे इस वेरिएंट में। इसी वेरिएंट से ये शुरू होते हैं MX3 प्रो वेरिएंट में, या MX3 में आपको कनेक्टिंग LED टेल लैंप्स नहीं मिलते हैं।
बाकी नीचे नंबर प्लेट की प्लेसिंग, दो पार्किंग सेंसर्स, नीचे बड़ा सा बम्पर, यहाँ पे आपको सिल्वर एसेंट का यूज़ मिलेगा। बाकी ये जो आप पार्ट देख रहे हैं क्रोम फिनिश, ये भी एसेसरीज का पार्ट है, तो ये पूरा इस जो इसकी टेल लैंप है उससे पूरा कर रहा है। अभी बात टेल लैंप की करें तो यहाँ पे आपको LED टेल लैंप्स मिल जाएंगे, टर्न इंडिकेटर्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, रिवर्स पार्किंग लाइट, यहाँ पे आपको ब्रेक लाइट मिल जाएगी। इस वेरिएंट में आपको रिवर्स पार्किंग कैमरा भी ऑफर कर दिया गया है, जो कि MX3 प्रो या MX3 वेरिएंट में नहीं मिलता है। बाकी यहाँ पे रिफ्लेक्टर, नीचे आपको यहाँ पे हल्का सा ग्रे एलिमेंट का यूज़ मिलने वाला है। एक बार इसका जो बूट है उसे ओपन कर लेते हैं, तो यह है कुछ इसका बूट, लगेज अभी लगा हुआ है आप देख सकते हैं, और तीन यहाँ पे मीडियम साइज़ के बैग और दो छोटे छोटे बैग यहाँ पे डाले हुए हैं। तो ये 364 लीटर का बूट स्पेस आपको यहाँ पे मिल जाएगा, पार्सल ट्रे भी मिल जाएगा आपको यहाँ पे, हालांकि पार्सल ट्रे यहाँ से अभी निकाला हुआ है। बाकी ये जो सीटें हैं वो आपको 60-40 स्प्लिट मिल जाएगी, हुक यहाँ पे मिल जाएगा, एक यहाँ पे दूसरा हुक मिल जाएगा। इसमें आपको इस वेरिएंट में लगेज लैंप ऑफर नहीं किया गया है। तो यह है कुछ इसका बूट, इस जो इसका स्पेयर टायर है वो नीचे यहाँ पे इसके नीचे लगेज के नीचे है, और ये जो आप मैटिंग देख रहे हैं यहाँ पे आप हल्का सा देख पा रहे होंगे, तो ये भी एसेसरीज का पार्ट है, ये 7D मैटिंग है, तो ये एसेसरीज का पार्ट है, इसे आप कंसीडर कीजिएगा। बाकी जो स्पेयर टायर है वो आपको यहाँ पे 16 इंच का ही मिलने वाला है, जो कि इसके नीचे लगा, हालांकि थोड़ा सा पतला होगा और ये स्टील व्हील रहेगा और उसके नीचे आपको मिलने वाला है। यहाँ पे आपको फ्यूल कैप मिल जाएगा, जिसकी कैपेसिटी 42 लीटर की रहने वाली है, 42 लीटर पेट्रोल आप यहाँ पे डलवा पाएंगे। तो ये था कुछ इसका बूट, अभी हम चलेंगे गाड़ी के अंदर। ये है गाड़ी का फ्रंट डोर। फ्रंट डोर की बात करें तो यहाँ पे आपको डार्क एंड लाइट दो कलर मिलने वाले हैं, हार्ड प्लास्टिक का यूज़ यहाँ पे, और यहाँ पे आपको सॉफ्ट टच मिल जाएगा, यहाँ पे सिल्वर कलर का यूज़, ये क्रोम कलर नहीं है, प्रॉपर सिल्वर कलर है, तो डोर एंड अनलॉक आपको सिल्वर कलर में मिलने वाला है। यहाँ पे ट्विटर की प्लेसिंग, स्पीकर की प्लेसिंग, इस कार में 6 स्पीकर साउंड सिस्टम मिल जाएंगे ट्विटर के साथ। बाकी यहाँ पे चारों पावर विंडो अप एंड डाउन का बटन, ड्राइवर साइड आपको ऑटो डाउन मिल जाएगा, यहाँ पे आपको जो इसके ORVM है उसके कंट्रोल दिए गए, यहाँ पे थोड़ा सा यूटिलिटी स्पेस, कॉइन्स वगैरह रख पाएंगे, यहाँ पे पियानो ब्लैक फिनिश का यूज़, नीचे यहाँ पे छोटा सा बॉटल रखने की स्पेस, ग्लास अपना भी रख पाएंगे, 1 लीटर बॉटल रखने की स्पेस, और यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस दी गई है। रिफ्लेक्टर आपको यहाँ पे दिया गया है, यानी कि पडल लैंप, ये लैंप नहीं है, रिफ्लेक्टर का काम करेगा। यहाँ पे आपको एक बार सीटिंग पोजीशनिंग दिखा दूँ, कुछ इस तरह की सीटिंग पोजीशनिंग रहेगी। सीट्स चेक कर ले तो फैब्रिक आपको यहाँ पे अपोस्ट्री रहेगी, और इसकी कुशनिंग काफ़ी बढ़िया है, लॉन्ग जर्नी में आपको यहाँ पे दिक्कत नहीं होने वाली है। बाकी यहाँ पे आपको इस वेरिएंट से हाइट एडजस्टमेंट मिल जाएगा, MX3 MX3 प्रो मॉडल में आपको हाइट एडजस्टमेंट नहीं मिलेगा, इसमें हाइट एडजस्टमेंट, रिक्लाइन और स्लाइडिंग तीनों यहाँ पे मिल जाएगा। तो अभी चलते हैं गाड़ी के अंदर। हम आ चुके हैं गाड़ी के अंदर। सबसे पहले बात करें स्टीयरिंग व्हील के बारे में, तो यहाँ पे आपको 3-स्पोक स्टीयरिंग व्हील दिया गया है, जो कि यहाँ पे टिल्ट रहेगा, टेलीस्कोपिक नहीं मिलने वाला है। ये आपको फुल्ली लीदरेट मिलेगा, तो काफ़ी बढ़िया बात है। बाकी एक बार स्टीयरिंग व्हील चेक कर ले तो यहाँ पे आपको सारे ऑडियो के कंट्रोल्स दिए गए हैं, यहाँ पे पियानो ब्लैक फिनिश का यूज़, महिंद्रा का लोगो जो कि क्रोम फिनिश में मिलेगा, हॉर्न की प्लेसिंग, एयरबैग की प्लेसिंग, इस कार में आपको 6 एयरबैग मिल जाएंगे जो कि स्टैंडर्ड रहेंगे, तो काफ़ी बढ़िया बात है। बाकी यहाँ पे भी पियानो ब्लैक फिनिश का यूज़, यहाँ पे आपको क्रूज़ वगैरह के कंट्रोल मिल जाएंगे, तो इस वेरिएंट से आपको यहाँ पे क्रूज़ ऑफर कर दिया गया है। बाकी यहाँ पे वाइपर जो कि रेन सेंसिंग रहेंगे, यहाँ पे ऑटोमेटिक हेडलाइट्स, तो ये भी काफ़ी बढ़िया बात है। एक बार इसका क्लस्टर हम ऑन कर देते हैं, इसमें आपको फुल्ली डिजिटल यहाँ पे क्लस्टर मिलने वाला है, इसे मैंने ऑन कर दिया है। क्वालिटी काफ़ी बढ़िया, जैसा कि आप देख सकते हैं, जूम करके मैं आपको एक बार दिखा दूँ, काफ़ी बढ़िया यहाँ पे डिस्प्ले की क्वालिटी दी गई है। यहाँ पे स्पीडोमीटर, फ्यूल वगैरह कितना है वो दिया गया है, यहाँ पे हीटिंग वगैरह, गियर कौन सा है, और यहाँ पे RPM मीटर दिया गया है। हालांकि ये मैनुअल कार है, फिर भी यहाँ पे गियर शो का जो ये लगाया हुआ है वो यहाँ पे दिख रहा है। बाकी यहाँ पे छोटा सा यहाँ पे जो MID उस पर सब कुछ डिजिटली शो करेगा, रेंज, एवरेज, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सब कुछ यहाँ पे शो करेगा। इसकी साइज़ रहेगी 10.25 इंचेस की। यहाँ पे आपको पुश स्टॉप का बटन दिया गया है। साइड की बात करें तो इसी वेंट, यहाँ पे ग्रे कलर का यूज़, पियानो ब्लैक फिनिश का यूज़, यहाँ से इसे एडजस्ट कर पाएंगे। नीचे आपको यहाँ पे आइडल स्टार्ट स्टॉप का बटन दिया गया है। हाइट जो लाइट है उसकी हाइट एडजस्टमेंट यहाँ पे दी गई है। नीचे आपको यहाँ पे हुड अनलॉक के लिए बटन दिया गया है, और यहाँ पे आपको इसका जो फ्यूल कैप है उसे ओपन करने के लिए बटन दिया गया है। सेंटर की बात करें तो यहाँ पे आपको डैशबोर्ड आप देख सकते हैं, प्लास्टिक की क्वालिटी काफ़ी बढ़िया, यहाँ पे प्लास्टिक की क्वालिटी दी गई है। सेंटर में आपको यहाँ पे 10.25 इंच का यहाँ पे आपको टच स्क्रीन मिल जाएगा, जिसकी क्वालिटी
काफ़ी बढ़िया, काफ़ी फ्लूड जो महिंद्रा का आता है UI वही आपको दिया गया, लेकिन कलर थोड़ा सा यहाँ पे चेंज है। इसमें आपको एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले मिल जाएगा, वायरलेस, काफ़ी यहाँ पे बढ़िया। इसका जो ऑडियो क्वालिटी है वो मैं आपको ज़रूर सुनाऊंगा, उसके लिए आप यहाँ पे बने रहिएगा। बाकी यहाँ पे सारे कंट्रोल्स दिए गए हैं, आप देख सकते हैं बटन से भी आप इसे यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं। नीचे यहाँ पे दो AC वेंट, एक वहाँ पे, यहाँ पे आपको सिल्वर एसेंट का यूज़, नीचे आपको हैजर्ड लैम्प, पैसेंजर एयरबैग ऑन ऑफ करने के लिए ऑन या ऑफ यहाँ पे शो करेगा, यहाँ पे ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन दिया गया है और यहाँ पे कुछ सारे कंट्रोल दिए गए हैं। बाकी AC वेंट के कंट्रोल यहाँ पे देख सकते हैं, डिजिटली शो करेगा। यहाँ पे आपको क्लाइमेट कंट्रोल वाला AC मिल जाएगा, तो काफ़ी बढ़िया चीज़ है। और यहाँ पे पूरा आपको पियानो ब्लैक फिनिश मिलने वाला है। नीचे आपको यहाँ पे ब्लोअर एडजस्ट करने के लिए सब कुछ दिया गया है, मोड वगैरह चेंज करने के लिए। उसके नीचे आपको चार्जिंग का पॉइंट जो कि टाइप ए रहेगा, वायरलेस चार्जिंग आपको मिल जाएगा, तो काफ़ी बढ़िया बात है। यहाँ पे 6-speed मैनुअल ट्रांसमिशन। इसका जो रिवर्स कैमरा है उसकी क्वालिटी एक बार चेक कर लेते हैं, तो मैं रिवर्स कैमरा ऑन कर ले रहा हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का आपको यहाँ पे रिवर्स कैमरा मिलने वाला है। गाइडलाइंस आपको यहाँ पे मिल जाएगी, कैमरा की क्वालिटी डिसेंट इनफ यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा, अच्छी क्वालिटी का कैमरा यहाँ पे दिया गया है। बाकी यहाँ पे लेदर एड आपको मिलेगा, सिल्वर एसेंट का यूज़, पियानो ब्लैक फिनिश का यूज़। यहाँ पे आपको दो कप होल्डर्स, यहाँ पे आपको थोड़ी सी जगह, कुछ रख नहीं पाएंगे लेकिन जगह जैसा है। यहाँ पे आपको सॉफ्ट टच दिया गया है, आर्मरेस्ट आपको मिल जाएगा जिसे ओपन कर दे रहा हूँ, तो इतना DPI आपको मिलने वाला है। ग्लो बॉक्स में आपको एक बार दिखा दूँ तो कुछ इस तरह का आपको यहाँ पे ग्लो बॉक्स मिलेगा, काफ़ी DPI ग्लो बॉक्स है, काफ़ी अंदर तक आ जाएगा और दो से तीन बॉटल तो आराम से आ जाएगी। कि यहाँ पे भी आपको थोड़ा सा टेक्सचर मिलने वाला है। IR भी आपको मैन्युअली एडजस्टेबल मिलेगा, सनग्लास होल्डर मिल जाएगा। यहाँ पे आपको जो इसकी रीडिंग लाइट है वो दी गई है, यहाँ पे आपको येलो लाइट दी गई है, 1.7 और 1.7L में आपको यहाँ पे वाइट लाइटें दी जाती हैं। बाकी सनरूफ एक बार ओपन करके मैं आपको दिखा दूँ तो ये वन टच ओपन हो जा रहा है, तो आपको यहाँ पे छोटा वाला सनरूफ मिलेगा। इसे यहाँ से क्लोज़ कर दे रहा हूँ तो वन टच ये क्लोज़ भी यहाँ पे हो जाएगा। बाकी यहाँ पे माइक की प्लेसिंग, वैनिटी मिरर चेक कर ले तो आपको यहाँ पे विद लाइट वैनिटी मिरर मिल जाएगा, ये भी आपको येलो लाइट मिलेगी। 1.7 में आपको यहाँ पे, L में आपको वाइट लाइट मिलने वाली है। ड्राइवर साइड एक बार चेक कर ले तो आपको यहाँ पे कोई भी वैनिटी मिरर नहीं मिलने वाला है। तो ये था कुछ इसका फ्रंट। अभी हम चलेंगे गाड़ी के पीछे की तरफ और चेक करेंगे कितना स्पेस मिलता है। यह है गाड़ी का रियर डोर। रियर की बात करें तो यहाँ पे भी आपको डार्क एंड लाइट कॉम्बिनेशन मिलेगा, हार्ड प्लास्टिक का यूज़, यहाँ पे सॉफ्ट टच मिल जाएगा। डोर अनलॉक हैंडल सिल्वर कलर में मिलेगा, यहाँ पे पावर विंडो अप डाउन का बटन, पियानो ब्लैक फिनिश मिलेगा। यहाँ पे आपको यूटिलिटी स्पेस पॉइंट वगैरह रख पाएंगे, यहाँ पे पॉइंट के बटन रखने की स्पेस, और यहाँ पे आपको थोड़ी सी स्पेस दी गई है। यहाँ पे आपको जो XUV3 XUV है, जो आपको एसेसरीज दिख रही है वो एसेसरीज का पार्ट है, तो यहाँ पे ये एसेसरीज के तौर पर आप कंसिडर कीजिएगा। बाकी सीटिंग पोजिशनिंग कुछ इस तरह की आपको यहाँ पे सीटिंग पोजिशनिंग मिल जाएगी। एक बार अंदर चल के चेक कर लेते हैं कितना स्पेस आपको मिलेगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं काफ़ी बढ़िया मुझे यहाँ पे लेग रूम मिल रहा है। मेरी हाइट है 5'6", तो आगे की सीट भी मेरी हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट मैंने कर दी है, तो काफ़ी बढ़िया मुझे यहाँ पे लेग रूम मिल पा रहा है, काफ़ी फैल के मैं बैठ पा रहा हूँ। एक बार हेडरूम चेक कर ले, हेडरूम भी काफ़ी बढ़िया, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली, काफ़ी बढ़िया हुआ यहाँ पे हेडरूम आपको मिल जाएगा विथ सनरूफ। थाई सपोर्ट चेक कर ले, थाई सपोर्ट डिसेंट इनफ मैं कहना चाहूँगा, अगर मैं ऐसे बैठूँगा तो जगह रहती है और अगर ऐसे पैर फैला के बैठूँगा तो यहाँ पे इतनी रहती है, तो डिसेंट इनफ मैं थाई सपोर्ट ये कहना चाहूँगा। यहाँ पे आपको दो AC वेंट, रियर AC वेंट दिए गए हैं, यहाँ पे सिल्वर एसेंट का यूज़, यहाँ पे टाइप सी चार्जर, यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस, अपना फ़ोन रख पाएंगे। नीचे 12 वोल्ट का चार्जर भी दिया गया है। हम्प आपको यहाँ पे अच्छा खासा यहाँ पे मिल जाएगा जैसे कि आप देख पा रहे हैं, और ये जो आप मैटिंग देख रहे हैं 7D, ये भी एसेसरीज का पार्ट है, तो आप ये एसेसरीज में कंसिडर कीजिएगा। बाकी हम्प आपको काफ़ी बड़ा यहाँ पे मिलने वाला है। सेंटर में आपको यहाँ पे रीडिंग लैम्प दिया गया है, तो ये भी काफ़ी बढ़िया बात है। यहाँ पे ग्रैब हैंडल विथ हुक, यहाँ पे भी ग्रैब हैंडल विथ हुक, और आगे भी आपको एक ग्रैब हैंडल मिल जाएगा जो कि विदाउट हुक रहेगा। सीट्स एक बार देख ले, फैब्रिक सीट्स आपको मिलने वाली है। यहाँ पे आप थोड़ी सी स्लोपिंग देख सकते हैं, मैंने MX3 में भी आपको बताया था, 3 और प्रो में यहाँ पे आपको थोड़ी सी स्लोपिंग मिलेगी। यहाँ पे आपको 3 सीट बेल्ट मिल जाएंगे, 1, 2 और यहाँ पे 2, 3 सीट बेल्ट मिल जाएंगे।
आगे आपको एडजस्टेबल दो हेडरेस्ट और पीछे की तरफ आपको तीन एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाएंगे, तो ये भी काफ़ी बढ़िया चीज़ है। आर्मरेस्ट आपको मिल जाएगा विद कप होल्डर्स, आइसोफिक्स माउंट्स मिल जाएंगे दोनों तरफ आपको। पीछे से एक बार व्यू दिखा दो, कुछ इस तरह का आपको यहाँ पे व्यू मिलने वाला है। तो ये था कुछ इसका रियर, अभी हम चलते हैं आगे की तरफ और चेक करते हैं इसकी ऑडियो क्वालिटी। चलिए अब चेक कर लेते हैं इसकी ऑडियो क्वालिटी। इसमें आपको 6 स्पीकर साउंड सिस्टम मिल जाएगा विद 2 ट्वीटर्स, तो इसे मैं प्ले कर दे रहा हूँ। तो जैसा कि आपने सुना, ऑडियो क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है, बेस भी काफ़ी बढ़िया है। इसे मैं 7.8 out of 10 ज़रूर देना चाहूँगा। अभी हम चलेंगे गाड़ी के बाहर और चेक करेंगे इसकी प्राइस वारंटी वगैरह। अब है वीडियो का लास्ट पार्ट। दोस्तों, वारंटी और प्राइजेस की बात करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं। अगर आप AX5 वेरिएंट में ADAS लेवल 2 के सारे फीचर्स लेना चाहते हैं तो आपको AX5L वेरिएंट लेना पड़ेगा। उसमें आपको ADAS लेवल 2 के सारे फीचर्स मिल जाएंगे और थोड़े बहुत फीचर्स आपको एक्स्ट्रा भी मिलेंगे। अब बात वारंटी की, दोस्तों इसमें आपको 3 साल और अनलिमिटेड किलोमीटर की वारंटी मिल जाएगी। इंजन की बात करें तो इसमें आपको 1.2 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन मिल जाएगा जो कि 3 सिलेंडर रहेगा। पावर की बात करें तो ये कार आपको 110 bhp की पावर और 200 nm का टॉर्क जनरेट करके देगी। माइलेज की बात करें तो आपको ये मैनुअल जो 6 स्पीड मैनुअल वेरिएंट है उसका पेट्रोल में माइलेज मिलेगा 18.89 km/L जो कि कंपनी क्लेम करती है। बाकी ड्राइवर के हिसाब से वेरी करेगा माइलेज। अभी बात प्राइजेस की, दोस्तों इसकी जो एक्सोरूम प्राइस है वो है 10,69,000 रुपये और इसकी ऑन रोड प्राइस जो रहेगी वो रहेगी 13,46,000 रुपये। ये शोरूम के हिसाब से वेरी करेगी ऑन रोड प्राइस, तो आपको यहाँ पे आना होगा और आपको यहाँ पे बात करनी होगी। बात करें इसकी सेफ्टी रेटिंग की, तो इसके जो प्री फेसलिफ्ट मॉडल था उसने ग्लोबल एनसीबी क्रैश टेस्ट में 5 out of 5 stars स्कोर किए थे। अभी इसमें 6 एयरबैग आ चुके हैं, तो ये कार भी आपको 5 out of 5 stars स्कोर करके देगी, जो बाद में पता चल जाएगा। बाकी मेटल की और मेटल सीट की क्वालिटी है वो काफ़ी बढ़िया है, नो डाउट ये कार सेफेस्ट 5 स्टार रहने वाली है। दोस्तों ये थी XUV 3XO AX5 मॉडल। ये कलर था एवरेस्ट वाइट कलर, मैनुअल पेट्रोल ये मॉडल था। दोस्तों ये आपको जानकारी कैसी लगी, वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा। और अगर आपको ये जानकारी ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर करूँ जरूर कीजिएगा। और चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।